के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ आप सबको कैसे मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या होगी, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, क्योंकि दीदी इस योजना के अंतर्गत आप सबको ट्रेनिंग भी दी जाएगी प्लस 2 से 3 लाख रुपया भी सरकार देगी आप सबको। दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकती हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार 8% तक सब्सिडी देगी। इस योजना के अंतर्गत कामगार कारीगर शिल्पकार 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वह भी सिर्फ 5% के रियायती ब्याज पर, यानी ब्याज दर जो लगेगा वार्षिक लगेगा और 5% लगेगा। इस योजना में बढ़ई स्वर्णकार लोहार राजमिस्त्री पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार नाई और नाविक से जुड़े 18 क्षेत्र शामिल हैं। सरकार इसके तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। शुरुआत में 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा और 18 महीने तक पेमेंट करने के बाद बेनिफिशियरी अतिरिक्त 2 लाख रुपए लोन के लिए पात्र होगा। ब्याज दर 5% ही रहेगा। जानते हैं इस योजना के लिए क्या शर्तें हैं, कौन योग्य है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आगे हम आप सबको बताते हैं वीडियो में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 18 साल से कम ना हो और पहले से आप जो है मुद्रा लोन वगैरह ना लिए हो। और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा तो यहाँ पे देखिए, बढ़ई लोहार सुनार राजमिस्त्री नाई मालाकार धोबी दर्जी ताला बनाने वाले अस्त्रकार मूर्तिकार पत्थर तराशने वाले पत्थर तोड़ने वाले मोची जूता बनाने वाले नाव निर्माता टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाला गुड़िया और खिलौना निर्माता हथौड़ा और टूल किट निर्माता फिशिंग नेट निर्माता है, यही लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना इन्हीं लोगों के लिए शुरू की गई है। जरूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे ये भी जान लीजिए आवेदन करने हैं तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, यही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ क्या है, इस योजना से आप सबको क्या लाभ मिलेगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य कुशल कारीगरों को बहुमूल्य सहायता प्रदान करना है। इस योजना में तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के सफल आवेदक को ट्रेनिंग सेशन मिलेगा जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस योजना में ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों को अर्ध कुशल मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता प्रावधान शामिल है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपए का दैनिक भत्ता देने के साथ साथ 5 दिनों तक कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी की पहचान 3 स्तरीय तरीके से की जाएगी, यानी आपको 5 दिन का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रशिक्षण के हिसाब से 500 रुपया आपको दिया जाएगा। इसके अलावा टूल किट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जैसे आप सुनार हैं तो आपको जो है टूल किट दिया जाएगा, राजमिस्त्री हैं बढ़ई हैं तो आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। इस 15,000 रुपए से आप अपना सामान बनाने के लिए टूल किट खरीद सकते हैं, औजार खरीद सकते हैं। डिजिटल लेन देन के लिए महीने में 100 लेन देन तक करने पर प्रति लेन देन पर 1 रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तो यही सारे लाभ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा और इन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा। यही लोग इस योजना के योग्य हैं, इसका लाभ यही लोग उठा सकते हैं। तो दीदी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हो गया है और वो भी ऑनलाइन तरीके से। यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आप लोग भी इस योजना में अपना आवेदन कर सकती हैं ऑनलाइन तरीके से। आवेदन कैसे करना है तो देखिए दीदी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कैसे करेंगे अप्लाई। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम विश्वकर्मा योजना गवर्नमेंट इन। इस वेबसाइट पे जा करके आप जो है ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं और इसका आवेदन हो रहा है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जन सेवा
सेवा केंद्र पे जा करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका आवेदन हो जाएगा तो आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, आपको कम ब्याज दर पे लोन भी दिया जाएगा। आप पैसा ले करके आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकती हैं, अपना छोटा मोटा उद्यम कर सकती हैं, दुकान वगैरह खोल सकती हैं। इससे क्या होगा, आप जो है आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सकेंगी। तो दीदी पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही अच्छी योजना है, यह सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना में इस समय आवेदन हो रहा है, आप लोग आवेदन कर दीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए, ठीक है। तो दीदी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत यही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है, तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ साझा कर दें ताकि आप लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित इस प्रकार की नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।